नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं झारखंड की 10 बड़ी खबरें। और आज की कवर स्टोरी में हम बात करेंगे क्यों बढ़ने वाली है एचईसी की मुसीबत। तो चलिए शुरू करते हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को समन भेजा है। मामला अवैध खनन से जुड़ा है। मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने साहेबगंज डीसी को 11 जनवरी, विनोद सिंह को 15 जनवरी और सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को ईडी ऑफिस हाजिर होने को कहा है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के सीट के बंटवारे को लेकर गठबंधन में अब रस्साकसी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2019 के आधार पर इस बार सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस राजी नहीं दिख रही है। इस बार कांग्रेस अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 9 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। वहीं जेएमएम और राजद भी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। चुनाव से पहले सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि इस बार चुनाव में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भाकपा माओवादी नक्सलियों ने शुक्रवार की शाम झारखंड के लातेहार और चतरा जिले के सीमावर्ती इलाके में अमानत नदी पर निर्माणाधीन पुल की साइट पर हमला बोलकर भारी उत्पात मचाया है। साइट पर काम में लगे एक पोकलेन मशीन, एक जेसीबी और एक टैंकर को आग के हवाले कर दिया है। गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने शनिवार को 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने एक 4-पहिया वाहन के साथ एक बाइक के अलावा 16 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड भी बरामद किया है। इसमें 2 अपराधी बलराम मंडल और प्रकाश मोहली को जब पुलिस पकड़ने गई तो दोनों ने सबूत मिटाने के मकसद से मोबाइल कुआं में फेंक दिया था, जिसे डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में काफी प्रयास के बाद कुएं से निकालकर बरामद किया गया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3 साल से अधिक समय से जमे पदाधिकारी और कर्मियों को चुनाव आयोग ने दूसरे जगह पदस्थापित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग द्वारा दिए गए निर्देश की जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। कांके विधायक समरी लाल द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ऑर्डर शीट की सर्टिफिकेट कॉपी और हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट कोर्ट के समक्ष प्रदर्शित किया गया। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार यानी 8 जनवरी से मामले की सुनवाई डे टू डे करने का निर्देश दिया। अब 8 जनवरी को सुरेश बैठा की ओर से बहस होगी। मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता बिहार सिन्हा ने पैरवी की। एसएसपी संजीव कुमार का ट्रांसफर दुमका डीआईजी के रूप में होने के बाद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने एक बार फिर से धनबाद में उनके द्वारा किए गए कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने संजीव कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धनबाद में एसएसपी रहते हुए उनके कार्यकाल की जांच कराने की मांग विधायक ने सीबीआई और ईडी से की है। राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम अभ्यास के लिए खूंटी पहुंच गई है। बिरसा कॉलेज के एस्ट्रोटर्फ मैदान में अभ्यास कर रही है। खूंटी की बेटी निक्की प्रधान की अगुवाई में 22 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम अभ्यास कर रही है। इस मौके पर खूंटी डीसी लोकेश मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है और कहा है जैसा हेमंत ने किया है वैसा ही भरेंगे। हेमंत सोरेन का अगला ठिकाना होटवार जेल है। जांच एजेंसी के लगातार छापे और पैसों की बरामदगी से साफ हो गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। एचईसी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने एचईसी को चेतावनी पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि एचईसी जल्द से जल्द बकाए का भुगतान कर दे, अन्यथा बिजली आपूर्ति रोक दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार जेबीवीएनएल ने चेतावनी देते हुए 15 दिनों के भीतर बकाए राशि की भुगतान करने को कहा है। बता दें एचईसी पर बिजली विभाग का 180 करोड़ रुपए बकाया है। कवर स्टोरी पर आज इस पर करेंगे विस्तार से बात। एशिया की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहे जाने वाली एचईसी की स्थिति दिन ब दिन और खराब होते जा रही है। एचईसी पहले ही कम कर्ज में नहीं डूबी थी कि अब इसके सामने एक और मुसीबत आ खड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेवीवीएनएल यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने एचईसी को चेतावनी पत्र भेज दिया है। जेवीवीएनएल ने एचईसी को चेतावनी पत्र में लिखा कि एचईसी जल्द से जल्द बकाए का भुगतान कर दे, अन्यथा एचईसी को बिजली आपूर्ति रोक दी जाएगी। दरअसल हुआ यूं कि एचईसी ने बीते 2 सालों से जेवीवीएनएल को बिजली बिल के रूप में 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया है और अब यह बकाया राशि बढ़कर 180 करोड़ रुपए का हो गया है और आशंका जताई जा रही है कि जनवरी महीने के बाद यह रकम बढ़कर 190 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच सकता है।
एचईसी के लिखे चेतावनी पत्र में जेवीवीएनएल ने साफ तौर से कहा है कि 15 दिनों के अंदर बकाए राशि का भुगतान करें, अन्यथा बिजली आपूर्ति रोक दी जाएगी। अब एचईसी में अगर बिजली काट दी जाती है तो इसके सामने भारी संकट खड़ी हो सकती है। कुछ सालों से एचईसी की हालत काफी लचर है। कर्मचारियों सहित अधिकारियों को भी लगभग 1.5 सालों से वेतन नहीं दिया गया है। फिलहाल छोटे मोटे प्रोडक्शन किए जा रहे हैं और ऐसे में अगर बिजली काट दी जाती है तो ये काम भी नहीं हो पाएंगे और स्थिति और भी ज्यादा खराब होने की संभावना है। रिपोर्ट्स की माने तो जेवीवीएनएल पिछले 1.5 सालों से बिजली के बकाए की मांग एचईसी से कर रहा है, लेकिन बिजली बिल का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। बता दें, एचईसी की स्थापना वर्ष 1958 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तब उन्होंने कहा था कि एचईसी देश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नेहरू ने ही इसे मातृ उद्योग का दर्जा दिया था। एचईसी में स्टील, माइनिंग, सीमेंट, पावर और ऑटोमेटिक एनर्जी के क्षेत्र में उपकरण का निर्माण किया जाना था। अपने शुरुआती दौर में एचईसी ने बहुत काम किया और खुद को स्थापित भी किया, लेकिन बीते कुछ सालों से इसकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस पर 1200 करोड़ रुपए से भी अधिक की देनदारी है, जिस कारण वेंडर कच्चे माल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं और वर्क ऑर्डर समय पर पूरा नहीं करने पर कंपनियां अब नए ऑर्डर नहीं दे रही है। वैसे तो एचईसी के इस हालत के लिए कई कारक सामने आए हैं, लेकिन इसके कुप्रबंधन को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। हटिया मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह के अनुसार एचईसी कुप्रबंधन के कारण आज बंदी के कागार पर है। एचईसी पर बार बार सीएमडी सहित अन्य निदेशकों को थोपा गया। वर्ष 2019 से भेल के सीएमडी नलिन सिंघल को एचईसी के सीएमडी का कार्यभार दिया गया। अपने कार्यकाल के दौरान वह महज 4 बार ही एचईसी आए थे। पिछले दिनों एचईसी के तीनों निदेशकों में तालमेल नहीं होने से एचईसी बंदी के द्वार पर आ गया है। एचईसी की स्थिति में सुधार का मुद्दा संसद तक में उठाया गया, लेकिन अब तक ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार ने इस पर कोई भी ठोस कदम उठाया है। अब देखना होगा कि 15 दिनों में एचईसी जेवीवीएनएल का बकाया चुका पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें द4thpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।